कि रहते थे कभी जिनके दिल में ये जान से भी प्यारों की तरह बैठे हैं उन्हीं के कूचे में पर आज गुनहगारों की तरह। इंडी गठबंधन की महारैली पर घमासान, बीजेपी ने कसा तंज, ये लोकतंत्र बचाओ नहीं भ्रष्टाचार छिपाओ रैली। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का महाभारत और मैं हूं आपके साथ नैंसी वाजपेयी। 2024 के महाभारत को लेकर सियासी जमीन बिछ चुकी है, राजनीतिक पार्टियां भी चुनाव प्रचार में जुट गई हैं। इसके साथ ही अब एनडीए और इंडी गठबंधन के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर भी शुरू हो चुका है और अब दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद 31 मार्च को दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन इंडी की पहली संयुक्त महारैली हो रही है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा है। महारैली शुरू होने से ठीक पहले बीजेपी ने इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शायराना अंदाज में इंडी अलायंस के दलों को घेरा। उन्होंने कहा कि दिल्ली के रामलीला मैदान में हो रही लोकतंत्र बचाओ रैली असल में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छिपाओ रैली है। उन्होंने कहा कि ये मोदी विरोधी और लोकतंत्र बचाना बहाना है, असल में अपने अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। आप ही सुनिए उनका ये पूरा बयान। वास्तविकता में जिस रैली को इन्होंने लोकतंत्र बचाओ रैली कहा है, वास्तविकता में वो परिवार बचाओ और भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है। मैं पुनः कह रहा हूं, ये तथा कथित लोकतंत्र बचाओ रैली वास्तविकता में परिवार बचाओ भ्रष्टाचार छुपाओ रैली है, क्योंकि सभी भ्रष्टाचारी एक दूसरे का साथ देते हुए भ्रष्टाचार के भाईचारे में एक साथ हैं। और ये मैं अभी आपको बता रहा हूं, परिवारवाद के कुछ नए आयाम, परिवारवाद के कुछ नए स्वरूप, परिवारवाद का के कुछ सदस्यों का नया अन्न प्राशन होता हुआ आपको आज नजर आएगा। सुधांशु त्रिवेदी यही नहीं रुके, उन्होंने ये तक कह दिया कि गुनाहों को छिपाने के लिए ये लोग रामलीला मैदान में एकजुट हो रहे हैं। पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुधांशु त्रिवेदी शायराना अंदाज में केजरीवाल और विपक्ष को घेरते हुए नजर आए। इंडिया अलायंस पर सुनिए कैसे अपने अंदाज में उन्होंने निशाना साधा। उसे कहता ना, कागज के फूल से खुशबू नहीं आ सकती और पुतले में जान नहीं आ सकती। उसी ढंग से इस गठबंधन में, वास्तविकता में कहा जाए कि इस गठबंधन का तो कोई सिला ही नहीं, कौन किससे मिला है कुछ पता ही नहीं। लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं और रैली में भी असलियत दिखाई देता है। वहीं केजरीवाल के जेल से सरकार चलाने पर भी सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसा और कहा कि रैली उस जगह हो रही है जहां का मुख्यमंत्री जेल में बंद है और वहां से सरकार चला रहा है और इकट्ठे भी वो नेता हो रहे हैं जिनका रिकॉर्ड अद्भुत रहा है। उन्होंने लालू और हेमंत सोरेन का भी जिक्र किया, राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी घेरा और कहा कि ये वो लोग हैं जो राम विरोधी बयान देते थे और आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हो रहे हैं। आज यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की राजनीति में पहली बार उस राज्य में रैली हो रही है जहां का मुख्यमंत्री हिरासत से सरकार चला रहा है। और साथ देने वाले कौन कौन लोग हैं, वो पार्टियां हैं जिन पार्टियों के नेताओं का रिकॉर्ड कितना अद्भुत है। श्री लालू प्रसाद यादव जी 1997 में जेल जा चुके हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख श्री शिबू सोरेन जी 2006 में जेल जा चुके हैं, डीएमके के नेता ए राजा और कणिमोजी 2011 में जेल जा चुके हैं और करुणानिधि जी तो इतनी पुरानी बात हो गई है कि शायद आज की पीढ़ी को याद ही नहीं होगा, 24-25 साल पुरानी बात हो गई है। कांग्रेस के कई नेता, सुरेश कालमाणी जी जैसे नेता 2010 में जेल जा चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता रहे स्वर्गीय मुलायम सिंह जी 2007 में आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा उनके ऊपर दर्ज हो चुका था और श्री राहुल गांधी जी और सोनिया जी जिस केस में बेल पर हैं, मुचलके पे हैं, वो 2013 में, अक्टूबर 2013 में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर हुआ था। बोफोर्स का केस 1987 में हुआ और एफआईआर 1990 में हुई।
यह तथ्य मैंने इसलिए बताया, इसमें से कुछ भी 2014 के बाद का नहीं है। अतः मैं एक शब्द में कहना चाहूंगा कि ये सारे के सारे लोग अगर आज कहा जाए तो अपने पुराने गुनाहों को छुपाने के लिए ये समस्त वो पार्टियां जो राम मंदिर की विरोधी, जिन्होंने हिंदू धर्म के समूल नाश जैसे संकल्प किए, हिंदू धर्म के देवी देवताओं पर अनेक आपत्तिजनक टिप्पणियां की, वो अपने पुराने भ्रष्टाचार के गुनाहों को छुपाने के लिए रामलीला मैदान में आज एकत्र हो रहे हैं। बता दें कि दिल्ली में विपक्ष लोकतंत्र बचाओ रैली कर रहा है, जिसमें विपक्ष के तमाम नेता शामिल हो रहे हैं। रैली शुरू होने से पहले बीजेपी ने इस रैली और यहां इकट्ठा हो रहे इंडिया अलायंस के नेताओं को जमकर घेरा। अब देखना होगा कि इंडिया अलायंस के नेता बीजेपी को इसका क्या जवाब देते हैं। बहरहाल 24 के महाभारत में बस इतना ही। तमाम बड़े अपडेट्स आप देखते रहें एबीपी लाइव पर।